Lenders check in a CIBIL report. Hi, I'm CA Lakshmanan Ranga from FIJ Advisory, your construction finance expert. So in a construction finance loan, the first step of due diligence is to extract the CIBIL report of the client. So lenders generally check three things. First is your CIBIL score. So it is the overall score which the CIBIL gives you after evaluating various parameters like your prepayment track record, past mein aapne kitne loan successfully repay kiye hai. So higher the score, better it is for you. You can command a better rate. सेकेंड इज ऑनगोइंग लोन्स. सो सिबिल में आपके ऑनगोइंग लोन्स तो दिखते ही हैं, आपके पास्ट में जो लोन्स क्लोज किए हैं वो भी दिखते हैं, और जहाँ पे आपने गारंटी दी है वो लोन्स भी दिखते हैं. एंड अ डिले ऑफ इवन अ डे विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर सिबिल रिपोर्ट. सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बैंक के एंड से कोई रिपोर्टिंग हो रही है जहाँ पे आपने डिले नहीं किया है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इट रेक्टिफाइड. यू शुड पुट अ मेल टू द बैंक एंड सिबिल अथॉरिटीज एंड गेट इट रिमूव फ्रॉम योर रिपोर्ट. थर्ड इज नंबर ऑफ इंक्वायरीज मेड इन सिबिल. सो जब भी सिविल रिपोर्ट में एक सेक्शन होता है कि उसमें पता चलता है कि जितनी इंक्वायरीज, जितनी बार आपका सिविल रिपोर्ट निकाला गया है, सो इफ देर आर मल्टीपल इंक्वायरीज इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन टू द लेंडर. एंड मल्टीपल इंक्वायरीज रेड्यूसेस योर स्कोर्स एज वेल. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मतलब एक ही टाइम पे 6-7 जगह पे डाल के सब जगह पे सिविल रिपोर्ट ना निकले. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू सिविल यू कैन रीच आउट टू अस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड शेयर.